हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने आप जो चीज़ देख रहे हो भाई, इसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें कब से जलवे बिखेरती आ रही है रोड्स पे और आज भी लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, ऐसी चीज़ है ये। सामने अपने हैं फॉर्च्यूनर, आज की फॉर्च्यूनर बिल्कुल कई रूप बदल चुकी है, लेकिन जब जिस रूप में आती है भाई, हमेशा हेड टर्नर हो जाती है। अलग ही रास्ता मिलता है, अलग ही जगह मिलती है यार। प्रेजेंस तो देखो, कुछ गाड़ी है ये, और ऐसी हो चुकी है इतनी रोड पे। मतलब अगर प्राइसिंग की बात करें, चलो पहले प्राइसिंग ही बताता हूँ आपको, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कितनी फेमस है। ठीक, 36,17,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। ठीक हो गई, अब बात आती है ऑन रोड की। मैं हूँ इस समय कमर्शियल टोयोटा हल्द्वानी में, यहाँ पर आप ये लेते हो तो ये है भाई करीब 41,70,000 रुपये की, 41,70,000 रुपीज़ की। ऑटोमेटिक में है ये, जो सबसे नीचे ऑटोमेटिक का आता है ये मान लो। ठीक, इससे नीचे मैनुअल आ जाता है और ये ऑटोमेटिक में है। अब भाई जब बंदा इतने पैसे खर्च कर रहा है ना, तो वो ये कहता है यार चलो 1-1.5-2 लाख और सही, हम ऑटोमेटिक लेंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा डिमांड ऑटोमेटिक में रहती है, वही आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या बात है यार, और इतनी आपको रोड पे दिखती है, आपको लगता नहीं होगा भाई इतने प्राइजेज हैं इसके, लेकिन यार इतनी दीवानगी है इसकी, बस कहने ही क्या। क्या बात है, अगर इस गाड़ी को फील करना है ना, तो भाई इसके आगे आके खड़े हो जाओ, तब पता चलेगा। जैसे हमें यहाँ से पहाड़ दिखते हैं, सामने पहाड़ हैं, हमें लगता है छोटे छोटे हैं, लेकिन भाई जब हम पहाड़ों के नज़दीक जाते हैं, तब हमें पता लगता है वाकई में पहाड़ पहाड़ है। ये चीज़ भी उससे कम नहीं है। दूर से देखने में आपको ऐसा लगेगा यार ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब इसके साथ में जाके खड़े होते हैं ना, तब इसकी असलियत का, इसके डायमेंशन का एहसास होता है। भाई मैं इस समय आ रहा हूँ, मेरे पेट से ऊपर है ये, आप देखो ये देख रहे हो, अरे गजब यार। हम जैसा बंदा, मेरी 5'5" हाइट है, लेकिन भाई इसका वाइपर खुद नहीं गिरा सकते। आप ये देखो जरा भाई, यही तक हाथ पहुंच रहा, हाथ पहुंच नहीं पा रहा वहाँ तक। ये देखो इतनी ऊंची है, इतनी बड़ी गाड़ी है, जायंट गाड़ी है लिटरली है। क्या बात है यार। अब भाई दीदार तो बहुत हो गए, फिलहाल बात कर लेते हैं लुक्स की। और लुक्स आप देखते रहते हो, लेकिन अब अंदर की चीज़ें भी दिखाऊंगा। बाहर से देखने में तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है, अंदर जो बैठे हैं, जो भाई 42.5 लाख करीब खर्च कर रहा है, उसे कैसे जलवे मिलते हैं अंदर, तो वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ फ्रंट से। एक बार ऐसा करें, इसकी लाइट जलाते हैं, ये तब मज़ा सा आएगा। तो भाई ये कुछ लाइटिंग है इसकी, देखने में बस छोटा सा था। ये DRL जलती है, लेकिन मैंने ये क्यों जलाई है, क्योंकि इसके साथ साथ जो रियर लुक आता है ना, वो मस्त लगता है, इस वजह से ये जलाई है। अभी वो भी दिखाता हूँ जाके। ये जो जरा सा लग रहा है देखने में, लेकिन किसी ने भी फॉर्च्यूनर की LED लाइट की शिकायत नहीं कही, ये कभी नहीं कहा कि भाई इसमें कमी है। हाँ आप देखते होंगे क्रेटा के लिए बहुत कहते हैं, जबकि उसमें टायो बीम देते हैं, 3-3 LED पॉइंट, और अदर गाड़ियों के लिए कहा जाता है, लेकिन इसके लिए किसी ने नहीं कहा, क्योंकि भाई है कुछ बात। दूर से जब छोटा सा लैंप जलता और सामने इतनी ज़्यादा लाइट बिखरती हुई दिखती है ना, तब पता चल जाता है फॉर्च्यूनर की लाइट है। इस तरह से हमारी DRL जलेगी। आप ये चीज़ देखो, इतनी बड़ी गाड़ी, जायंट गाड़ी होते हुए भी भाई जो लाइट्स हैं वो कितनी स्लीक हैं, है ना। लेकिन सरप्राइजिंगली डिज़ाइन थीम ऐसी है कि भाई जच जाती हैं इसी पर, ये मस्त लगती है देखने में। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारा ये LED में ही दिया हुआ है फॉग लैम्प। कितना बड़ा लोगो है ये। इस तरह से नीचे आपको मिल जाती है स्किड प्लेट, और क्या बात है। अब जो नया अपडेट है, इसमें आपको यहाँ पर DRL भी मिल रही है, देख रहे हो पूरी यहाँ से यहाँ तक, मस्त लग रहा है ये सब कुछ। जितना भी हमको दिख रहा है सब कुछ हमारा ग्लॉसी में ही है, मैटी ब्लैक कहीं नहीं है। ये आपको देख रहे हो सेंसर दिख रहा है, तो बिल्कुल इसमें फ्रंट के सेंसर भी दिए हुए हैं। तो भाई इस तरह से पूरा लुक है, क्या ही कहना है। टायर देखो यार, क्या बात है, इतने ज़बरदस्त चौड़े चौड़े टायर। अभी टायर की प्रोफाइल भी दिखाता हूँ, चलो साइड पर ही चलते हैं। तो भाई आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पर। और हाँ यार, इसकी वो तो भूल ही गए थे, अपनी प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त आ रही है। झोटा कहते हैं इसको हरियाणा में अपने भाई, तो क्यों कहा जाता है भाई, प्रेजेंस इसकी चौड़ाई की वजह से, लुक्स के साथ साथ चौड़ाई की वजह से है। तो विड्थ है इसकी 1850 mm। तो भाई आ जाते हैं अपने साइड प्रोफाइल पर। तो ये है गाड़ी, ओए होए क्या चीज़ है यार। भाई व्हील देखो यार, गजब लग रहे, इतने बड़े बड़े इसके टायर्स। और टायर की प्रोफाइल अगर देखते हो तो प्रोफाइल है इसकी 265/65R17, कमाल कर दिया, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, वाकई में चीज़ लग रही है। और इतनी बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी के साथ साथ वजन भाई 2200 किलो की गाड़ी है ये, मतलब 2.2 टन है, उतना वजन कौन लेगा, टायर से लेंगे, मजबूती बनानी ज़रूरी है। तो इस तरह से दिखता है। क्लाइडिंग सरप्राइजिंगली, जैसे मैंने आगे बताया था, बड़ी गाड़ी के साथ साथ इसमें स्लीक नेचर भी दिया हुआ है, डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो स्लीक भी हैं। यहाँ पर देखो भाई भी LED ये दिया हुआ है, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको इस तरह से मिलेगी। हमें ये कह रहा था जो डिज़ाइनिंग स्लीक है, आगे हेडलैम्प स्लीक है, वैसे ही जनरल छोटी छोटी गाड़ियों में, मैं XL6 की बात करूँ, उसमें भाई इतनी बड़ी है यहाँ पर क्लाइडिंग दे रखी है, इतनी बड़ी, मैंने एक नाप के देखा था इतनी बड़ी थी, लेकिन इसमें देखो कितनी स्लीक है और अच्छी लग रही है।
भाई जब ओवरऑल डिज़ाइन की बात करते हैं ना, तब ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, उभर के नहीं आती कि यहाँ बुरी लगे, लेकिन लगती मस्त है ओवरऑल पूरे डिज़ाइन थीम में। इस तरह से भाई यहाँ पर दिख जाते हैं आपको, क्रोम ही क्रोम, हैंडल पे भी क्रोम है, यहाँ पर विंडो गार्निश पे भी क्रोम है, पिलर जो है हमको यहाँ यहाँ पूरे ब्लैक आउट मिल रहे हैं, फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट दिख रहा है, ऊपर आपको मिल जाता है सिल्वर कलर में रूफ रेल, फुटबोर्ड यहाँ पर दिख जा रहा है क्योंकि इसके बिना भाई चढ़ नहीं सकते, पैर रखना जरूरी हो जाता है इस पे, इतनी हाइट है जब चढ़ते हैं। अभी जब इंटीरियर दिखाऊंगा तब बात करेंगे, आगे भी डिस्क है पीछे भी डिस्क है, जरूरी है इतना वेट, जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो भाई उसको चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए। इस तरह से विंडो गार्निश देखो, यहाँ पर आके चौड़ी हो जाती है ये और फिर दोबारा स्लीक हो जाती है, और क्वार्टर ग्लास क्वार्टर नहीं है भाई, पूरी की पूरी लगभग विंडो है, ओपनिंग नहीं होती, खुलती नहीं है, लेकिन भाई अंदर अच्छा खासा व्यू, लास्ट रो में भी ज़बरदस्त मज़ा आता बैठने में इसकी वजह से, और भाई इस लुक की वजह से मैंने यहाँ पर ये जलाई थी लाइट्स, क्या बात है, रात को जब चलती है बिना ब्रेक लगाए क्या लुक देती है भाई। इस तरह से अंदर हमारे ऊपर हल्का स्मोकी नेचर है, हल्का हल्का ठीक, और अंदर हमारी ऑलवेज ऑन मोड में जैसे ये जल रही है वैसे ही जलेंगी। ये जल गया अपना इंडिकेटर भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा इंडिकेटर, और रिवर्स की बात करें तो ये यहाँ पर छोटा सा बल्ब ही है, हेलोजन बल्ब है, तो ये लुक देती है। कितनी बार यार तारीफ निकलती है जब देखते हैं ना, एक तसल्ली से, जल्दीबाजी वाली चीज़ नहीं है कि एकदम निकल गई, जब पास में रह कर इसको निहारते हैं ना मज़ा ही अलग आता है। ऊपर बड़ा सा बिल्कुल साइज़ के हिसाब से इतना बड़ा तो लगेगा भाई, इसमें स्पॉइलर दिया हुआ है जिसमें इंटीग्रेटेड हमारा, यहाँ पर देखो स्टॉप लैंप, अंदर लाल कलर की लाइट जलती है, और उसके बाद बात करें यहाँ दिया है वाइपर, साथ में डिफॉगर, और नॉर्मल है ये तो चीज़ें ठीक। पूरी जो हमारी गार्निश आई थी क्रोम की वो ऐसे पीछे की तरफ चली जाती है और फिर आगे घूम जाती है, और भाई फॉर्चूनर बड़ा बड़ा लिखा हुआ, बीच में टोयोटा का लोगो है, यहाँ है कैमरा, ऑफसेट दिया हुआ है, और नीचे चार पॉइंट के आपको सेंसर मिल जाते हैं, और वही रगेड प्रोफाइल टायर दिखता हुआ, क्योंकि इसमें स्पेस सेवर नहीं लगाया कंपनी ने। इस तरह का करेक्टर है गाड़ी का, कोई भी बंदा इधर उधर ऊट पटांग जगहों पे लेकर ही जाता है इसको, भाई गाड़ी जब ली है ऐसी, करेक्टर ऐसा मिला है और परफॉर्मेंस भी ऐसी देती है तो क्यों ना ले जाए। इसीलिए इसमें जो स्पेयर टायर है वो हमारा फुल साइज्ड है, यहाँ बाहर निकलता हुआ आपको इसीलिए दिखता है। अगर ये लग्जरी साइड चली जाती गाड़ी तो बिल्कुल ये चीज़ यहाँ से हटानी पड़ती, मतलब इसमें स्पेस सेवर देना पड़ता, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिखता नहीं। लेकिन भाई कहीं भी किसी भी जगह इमरजेंसी में अगर कट जाता है फट जाता है तो भाई आपको प्रॉपर एक टायर चाहिए फुल साइज का, जो वैसी परफॉर्मेंस दे सके, इसीलिए ये वाला टायर इसमें दे दिया। यहाँ पर आपको फॉग लैंप भी मिल जाता है। तो भाई ये हो गया पूरा लुक रियर का, साइड प्रोफाइल देखते हैं तो यहाँ पर फिर से आ जाता है अपना फ्यूल फिलर कैप। डीजल गाड़ी है और कितना है इसमें कैपेसिटी भाई साहब, 80 लीटर की, क्या बात है 80 लीटर की, बहुत ही कम गाड़ियां हैं जिसमें इतनी कैपेसिटी दी हुई है। फिर प्रीमियम गाड़ियां आ जाती है जो इंपोर्टेड है भाई, 50 लाख 70 लाख 50 तो ये भी पहुंची जाती है लगभग लगभग। लेजेंडर की बात करें, बोरी दुल्हन तैयार हो रही है अपनी ठीक, तो इसमें 80 लीटर की कैपेसिटी है। और हर चीज़ देखो यार, ये देख रहे हो सस्पेंशन ट्रैवल अभी बिना किसी लोड के है, कितना ज़बरदस्त है। ये यही चीज़ें हैं, यही करैक्टर है भाई जो देते हैं गाड़ी को एक अलग पहचान रोड पर। ये हो गए हमारे एक्सटीरियर, और यहाँ पर देखते हैं हम, हाँ पडल लैंप दिया हुआ है इस तरह से। तो भाई ये हो जाती है अपनी गाड़ी पूरी, इंडिकेटर हमारे नीचे ही वहाँ पर, ये देखो इस तरह से पूरा लुक है। अब बात करते हैं इंटीरियर की, क्योंकि बहुत से लोगों का कहेंगे भाई खा गया, बाहर ही बाहर दिखाया जा रहा है, अंदर भी तो दिखा, बाहर से तो देख ही रखी है, तो भाई चलो अंदर। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया हुआ है रिक्वेस्ट सेंसर बटन, अलग से हाईलाइट नहीं है, उसी क्रोम में मिल जाता है। अभी अंदर से पहले दिखाते हैं इसकी चाबी, तो भाई ये है इसकी की, क्या बात है, फॉर्चूनर लिखा हुआ, और ये पूरा ग्लॉस है, यहाँ से ये रैप लगी हुई है इसके ऊपर, ये उतरेगी ग्लॉस ही अंदर से दिखेगा, ये सामने भी ग्लॉस ही है इस तरह से। टोयोटा लॉक, ये हो गई लॉक, ये हो गई अनलॉक, आवाज़ कोई नहीं करती, और ये बूट रिलीज का दिया हुआ है इस तरह से, बीच में टोयोटा का लोगो दिया है यहाँ पर। तो भाई ये हो गई अपनी की भी देखने में मस्त लग रही है, क्रोम रोम इसमें भी दिया है, तो इसको आप खोलते हैं, ओए होए होए चाबी को रख देते हैं यहाँ। ये है भाई कुछ ज़बरदस्त लग रही है भाई, मतलब जैसा बाहर से दिया हुआ कैरेक्टर कि हाँ रफ टफ वाला, अंदर देखते हैं तो अंदर प्रीमियमनेस एक अलग लेवल क्रॉस कर जाती है। आप ये शेड देखो ज़रा, ये कैमल टैन कलर बोलते हैं इसको, और भाई वो है पूरा का पूरा, सॉफ्ट टच है, लेदरेट है, उसके साथ यहाँ पर चारों की चारों पावर विंडो जो है हमारी, ऑटो अप ऑटो डाउन चारों, क्या बात। और यहाँ पर देखते हैं मैनुअली सेंटर लॉक करने का, ये देख रहे हो, तो ये हमारा बाकी की पावर विंडो को ड्राइवर के अलावा एक्टिव करने के लिए, और ये हो गया अपना फोल्ड हो गया ठीक, और यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं मिरर। ये हो गई बात यहाँ पर पूरी।
अब बात आ जाती है नीचे, यहाँ पर देखते हो आप बॉटल होल्डर दिया है, उसके साथ साथ जो सराउंडिंग है इसकी पूरा फ्रेम जो है हमारा ग्लॉसी मिल जाता है। यहाँ पर हमको मिल रहा है साटन सिल्वर फिनिश, ये है क्रोम में, मतलब यही चीज़ आप देखो, बाहर से रफ टफ लग रही है गाड़ी और अंदर आके अलग ही मूड चेंज हो गया एकदम सारी चीज़ों का। इवन इसके सराउंडिंग जो स्पीकर है वो भी आपको ब्लैक ग्लॉस में दे दिए भाई, गजब। तो भाई इस तरह से हो जाता है यहाँ पर। और हाँ, ये भी लैंप दिया हुआ है आपको कि आप डोर खोलते हो तो भाई पीछे वाले को पता लग जाए हाँ डोर खुल रहा है। कोई कंपनी रेड की देती हैं, कोई कंपनी ऐसा देती हैं, तो ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर, अब सबसे पहले चीज़ हाइट देखो आप, 216 mm ग्राउंड क्लियरेंस और उसके बाद सीट हाइट कितना ही ऊंचा हो जाता है। मैं इसीलिए कह रहा था ये जो हमारा फुट स्ट्रैप है इसकी तो बहुत ज़रूरत हो जाती है। और व्हील बेस नहीं बताया था भाई साइड प्रोफाइल से, जब ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी तो भाई बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। बाय द वे जो हमारा व्हील बेस है वो हो जाता है 2750 mm का, ठीक है। अब आ जाते हैं सीट पर, सीट सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हो पूरी की पूरी परफोरेटेड है, तो भाई हाँ बिल्कुल वेंटिलेटेड सीट्स दी हुई हैं इसमें। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से एडजस्ट होती जा रही, तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी दी है। मैं बार बार ये कहूँगा बाहर से रफ टफ गाड़ी लग रही है लेकिन अंदर आते ही सारे मतलब हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाली चीज़ हो रही है इसमें। यहाँ आपको सिल प्लेट मिल जाती है टोयोटा ब्रांडिंग की। और अब जरा इसमें बैठते हैं, यहाँ पर रखते हैं अपना पैर और ये यहाँ पर दिया हुआ हैंडल पूरे तरीके से, और अब बैठते हैं इसके अंदर। ओए होए होए, ये है भाई आज की फॉर्च्यूनर, इसको करते हैं बंद। इस तरह से दिखते हैं आपको नज़ारे भाई फॉर्च्यूनर के। इंडिकेटर कर लें पहले बंद और जो हमारी लाइट जल रही हैं उनको अपने कर लेते हैं बंद। तो अब भाई ऐसा दिखता है कुछ स्टेयरिंग, पूरा का पूरा रैप्ड है और उसके साथ साथ क्या बात है हल्की हल्की ग्रीन सी इसमें टिंट फिनिश आ रही है जो मस्त लग रही है। और उसके साथ देखते हैं तो भाई ये जो एरिया ही है ये पूरा एरिया भी हमको यहाँ पर रैपिंग के साथ दिया हुआ ही है, लेदर रेट है पूरा, ठीक। स्टिचिंग आपको दिख रही है, मस्त लग रही है। अब आ जाते हैं नीचे ज़रा, ये हमारा क्लस्टर, कोई भी ऐसा नहीं है डिजिटल विजिटल कुछ हाई फाई सा कर दिया हो, लेकिन एवरग्रीन चीज जो मुझे भी अच्छी लगती है भाई एनालॉग यहाँ पर दिए हुए हैं डायल हमारे, ये दिया है टैको, ये दिया है हमारा 200 की स्पीड के साथ स्पीडोमीटर, नीचे छोटी छोटी और सुइयां दे दी हैं, ये हमारा यहाँ पर टेम्परेचर और ये हो गया हमारा फ्यूल गेज जो कि 80 लीटर के बाद यहाँ पर आता है। बीच में दी हुई है हमको यहाँ पर पूरी की पूरी MID इस साइज की है, पार्क मोड है क्योंकि ऑटोमेटिक है, ये देखो ऑटोमेटिक है पार्क मोड पे है तो आ रहा है, और भाई उसके बाद इग्निशन ऑन, बाकी जो भी डिटेल होगी वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर देखो एम्बियंट जैसी लाइटिंग, मतलब धीरे धीरे स्लो स्लो जल रही है, रात को देखने में क्या गजब लगेगा। थीम इसकी हल्की ब्लू ही रखी गई है, ये यहाँ पर भी ब्लू ब्लू शेड आ रही है, यहाँ पर भी ये देखो बैकग्राउंड में ये इस तरह से ब्लू, और जो बैक लाइट है वो व्हाइट कलर की है। तो भाई ये हो गई हमारी कहानी, यहाँ पर स्टॉक दिया हुआ है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रिप नीचे डिटेल आ रही है उसका चेंज करने का, ठीक है। यहाँ पर आते हैं स्टेयरिंग पे, तो भाई पहले तो स्टेयरिंग का एडजस्टमेंट चेक करते हैं, अप डाउन और ओए होए होए, टेल्ट एंड टेलीस्कोपिक भाई पूरी तरह से एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये देख रहे हो पैडल शिफ्टर, तो बिल्कुल भाई ऑटोमेटिक है, तो भाई इसमें स्पोर्ट मोड भी है, ये रहा स्पोर्ट मोड, पार्क मोड, रिवर्स, न्यूट्रल, ये हो गया ड्राइव और साथ में स्पोर्ट। स्पोर्ट पे आते ही भाई आपके हाथ में घोड़ा, लगाम आपके हाथ में है और दनादन दनादन इनको यहाँ से टॉगल करते जाओ, टिक टिक प्लस माइनस, और भाई अपने हिसाब से चला जाओ गाड़ी। यहाँ पर देखते हैं तो भाई मिल जाते हैं हमको वाइपर, और साथ में यहाँ पर देखते हैं तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का स्टॉक ये दिख रहा है। तो भाई इस तरह से अपना स्टेयरिंग व्हील है। यहाँ पर कंट्रोल्स की बात आती है, तो भाई कंट्रोल यहाँ पर दिए हुए हैं सारे के सारे, वॉइस कमांड, टेलीफोनी, म्यूजिक सिस्टम के लिए, और उसके साथ यहाँ पर आपको दिए हुए हैं जो हमारा ये देख रहे हो सारी अदर जो इन्फॉर्मेशन अंदर आती रहेंगी, और यहाँ से हम करेंगे आगे पीछे इस तरह से ये चेंज होता रहेगा, ठीक। और बीच का दबाया ओके हो जाएगा। नीचे यहाँ पर मिल जाती है सिल्वर कलर की फिनिश और एयरबैग अभी तो दो हुए हैं साइड का 10 इधर और इधर, ये हो गए 4। उसके बाद सीट्स में साइड में ये हो गए 6, और उसके साथ साथ यहाँ पर नी में यहाँ पर भाई आपको टोटल 7 एयरबैग इसमें मिल जाते हैं, और जगह नहीं बची थी नहीं तो वो भी लगा देते, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर भाई बीच में, गजब ही लग रहा है ये तो, पूरा ग्लॉसी ब्लैक। यहाँ पर देखते हो इस तरह से फ्लो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इनका AC वेंट्स का, और बीच में घड़ी अच्छी लगती है जो कि एक विंटेज वाला टच देती है और अच्छा लगता है भाई। ये बीच में दिया हजार्ड का बटन, पूरा ग्लॉसी ब्लैक है, और उसके साथ जब आते हैं यहाँ पर क्या बात है, वही लेदरेट वाली फिनिश जो आपको पूरी थीम में दी हुई है वही यहाँ पर दी है। ये म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है हमारा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं। साइड में बटन्स दिए हैं इस तरह से, वॉल्यूम अप डाउन, कहाँ तक जाती है वॉल्यूम, अच्छा 60 तक जाती है भाई, 62 तक, 62 तक। और यहाँ पर हमारा स्क्रॉल करने के लिए, ट्यूनिंग वगैरह करने के लिए, ठीक। तो ये हो गया हमारे पूरे कंट्रोल्स। एप्स देखते हैं तो
स्मार्ट डिवाइस लिंक, हाँ टेलीमेटिक्स भी है इसमें, आप जियो फेंसिंग कर सकते हो, आप स्टेटस देख सकते हो कार का, लोकेशन वगैरह वो सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। नीचे आ जाता है तो एयरबैग वगैरह की आपको पूरा ग्लॉसी है, ये एयरबैग वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। और उससे नीचे भाई डुअल जोन में है, इधर का जोन अलग, इधर का अलग, इधर चाहिए रेगिस्तान, इधर चाहिए मनाली, तो हिसाब से कर सकते हैं आपस में, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, एक को ठंड लग रही है दूसरे को गर्मी, ठीक अपने अपने हिसाब से सेट कर लो। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें दिया हुआ है, ये भी पूरा ग्लॉसी है, यहाँ पर इसके ऊपर भी रैप चढ़ रही है अभी, ठीक। उससे नीचे आ जाते हैं तो भाई ये रहा हमारा फीचर, यहाँ पर हमारी ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी, मतलब वेंटिलेटेड सीट्स वाला, ये दोनों स्क्रॉल दिए हुए हैं, अपने हिसाब से फ्लो आप सेट कर सकते हो, ये लेफ्ट का ये राइट का। यहाँ पर दिया है यूएसबी सोर्स इन करने के लिए, 12 वोल्ट का सॉकेट ये दिया है, और यहाँ पर छोटा सा स्पेस दिया है, ऐसे ही कुछ भी रख लोगे इसमें, ठीक। और क्या है, ओए होए होए क्या बात, प्रीमियम चीज़ें तो प्रीमियम ही होती हैं, ये देखो वही टेक्सचर जो यहाँ पर दिया हुआ है, वही टेक्सचर यहाँ दिया है पूरा का पूरा सेंटर कंसोल पे। पुश करते हैं इस तरह से खुल जाते हैं हमारे ग्लास होल्डर, और ये एक तरह से एक सपोर्टर का काम कर जाता है, ये यहाँ पर लग गया और जैसे खुलेगा ये सपोर्टर बन गया, और यहाँ पर आप देखते हो फोन रखने की ये जगह हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, ये भी लेदर रैप्ड है, सारे मोड दिखाई दिए। उसके नीचे यहाँ पर मिल जाता है हमको लेदर रैप्ड मैनुअल है इसमें, बिल्कुल हैंडब्रेक जो है वो मैनुअल है, वो इस तरह से दिया है। मोड तीन दिए हुए हैं, इकोनॉमी, नॉर्मल, स्पोर्ट, तो भाई स्पोर्ट मोड में तो रॉकेट हो जाएगी, भले ही आप इसको इस स्पोर्ट मोड मतलब मैनुअल मोड में ना चलाना चाहो, केवल परफॉर्मेंस इसकी बूस्ट करना चाहो ऑटोमेटिक में, तो भाई ये आप कर सकते हो स्पोर्ट मोड। वैसे नॉर्मल ईको, अगर ये है कि हाँ दूरी पे है पेट्रोल पंप और भाई थोड़ा तेल कम बच रहा है तो आप ईको पे चला सकते हो, और वैसे आराम आराम से चलाएं तो ईको पे चलाओ, माइलेज अच्छा आ जाएगा। यहाँ पर देख लो ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए आपको दिया हुआ है, टीआरसी टर्न ऑफ, तो भाई हो गया। अब यहाँ पर बीच में इतना चौड़ा आपको मिल जाता है, इसको जरा उठाते हैं, इतना स्पेस है बीच में, और आगे पीछे नहीं भाई, आगे पीछे नहीं होता, ठीक हो गई बात। अब आती है बात IRVM की, तो भाई ये दिया हुआ है हमको ऑटो डिमिंग वाला, बिल्कुल रात होगी लाइट पड़ेगी इस पे अपने आप नाइट मोड में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो भाई बड़ी तेजी से खुल रहा है ये, ठीक। यहाँ पर आपको मिल जा रहा है सनग्लास होल्डर और उसके साथ साथ लाइट्स, ओए होए होए बहुत बढ़िया, ये भी पूरा ग्लॉसी में है, जहाँ जहाँ रैप मिलेगा आपको समझ लो वो ग्लॉसी फिनिश है। इस तरह से ये लाइट है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी लाइट दी हुई है वैनिटी के साथ साथ, और हाँ फ्लैप भी दिया, बहुत बढ़िया। इसको करते हैं बंद, ठीक, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी दी है, बहुत बढ़िया यार, ये देखो क्या बात। तो भाई इस तरह से आगे का पूरा माहौल हो गया, ट्विटर यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, चारों डोर में स्पीकर दे दिए हैं, और उसके अलावा क्या बात करें, हाँ अंडर थाई सपोर्ट, सीट की चौड़ाई बहुत है, अंडर थाई सपोर्ट यहीं से दिखा देता हूँ, ये है, ये है, ये देखो बहुत चौड़ी सीट है भाई, गाड़ी इतनी चौड़ी है अंदर सीट, तो भाई यहाँ का स्पेस आप देख लो उतना ज़्यादा नहीं है ना, तो मतलब सीट की चौड़ाई कितनी ज़्यादा हुई है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, और भाई ये तो इलेक्ट्रॉनिक सीट हो गई अपनी पूरी, आगे पीछे बटन से ही कर सकते हो आप। तो ये पूरी कहानी आगे की। अब बात आती है पैडल की, तो भाई यहाँ पर आपको डेड पैडल मिल जाता है और बाकी ऑटोमेटिक है, तो सिर्फ ये हो गया ब्रेक पैडल या एक्सेलेटर। उसके बाद ये दोनों फ्लैप देख रहे हो आप, ये हो गया हमारा बोनट के लिए और साथ में हो गया फ्यूल फिलिंग के लिए। उसके साथ साथ यहाँ देख रहे हो ये DPF के लिए दिया हुआ है नीचे, और उसके साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ है फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का। तो ये हो गई कहानी पूरी, यहाँ पर देखते हैं ये भी कुछ दिख रहा है, हाँ भाई कप होल्डर दिया हुआ है, और वहाँ पर उस साइड नहीं है कप होल्डर, ये सॉफ्ट टच नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक है, सिर्फ सॉफ्ट टच जो है वो ये एरिया दिया है, और यहाँ पर भी दिया हुआ है फॉर्च्यूनर, क्या बात है, इतने प्रीमियम तरीके से लिखा है, स्टिचिंग यहाँ पर दिख रही है आपको, हैंडल दोनों साइड दिए हैं इस तरह से, और पीछे वालों के लिए नहीं, पीछे वालों के लिए नहीं है, और सीट बेल्ट भाई सीट बेल्ट भी एडजस्टेबल दी हुई है आपको, क्या बात है, बहुत ज़रूरी हो जाता है यार ये, ठीक। इस तरह से आगे का पूरा पोर्शन हो गया, ये पूरी कहानी है भाई यहाँ की, मतलब फॉर्च्यूनर की 42.5 लाख रुपए, अगर आप 42 लाख करीब 70,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो भाई इस तरह से ऑटोमेटिक के लिए, बाकी अगर वो लोगे तो करीब 40 की पड़ जाती है मैनुअल में, ठीक। तो इस तरह का आपको इंटीरियर मिल जाता है पूरा जलवे अलग। तो भाई अब चलते हैं जरा पीछे की तरफ, और बारिश आनी शुरू हो गई, देख रहे हो बूंदे, बारिश आनी शुरू हो गई, जल्दी जल्दी निपटाते हैं अपना काम, अपने हिसाब से मैंने सेट कर लिए, इसको करते हैं बंद। अब आती है बात रियर की, तो भाई रियर में चढ़ने के लिए वही पैर रखा गया, और यहाँ पर ये रहा हैंडल, इस तरह से हैंडल पकड़ के चढ़ना पड़ेगा अपन को, क्या बात। तो भाई ये है रियर का लुक, और डोर ट्रिम सेम है, सारी थीम जो है वही रखी गई है, ठीक इस तरह से, और ये करा हमने बंद। ये है बात भाई, आगे से और ज़्यादा ऊँचा फील हो रहा है पीछे बैठने में, मस्त लग रहा है देखने में यार। यहाँ पर आपको जो आगे से दिख रहा था आर्मरेस्ट, वो पीछे से ऐसा है, फिनिश जबरदस्त दी है, 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ चार्जर लगा के यहीं पर ही फोन रख सकते हो, हम ज़्यादा ऊंचा नहीं है लेकिन ठीक है। और ये देखो ये आपको दिए इस तरह से, क्योंकि पता है बीच वाला जो बैठेगा वो पैर वगैरह रखेगा, तो एक्स्ट्रा यहाँ पर पैडिंग जैसी दे दिए, ये देखो
ठीक है भाई। और उसके साथ साथ ये आपको दिख जाते हैं यहाँ पर होल्डर, कुछ भी टांगना है, बैग वगैरह, छोटा मोटा सामान वगैरह दोनों सीट्स में दिए हुए हैं इस तरह से। पॉकेट भी यहाँ पर दी हुई है। उसके साथ साथ और क्या है, हाँ सीट्स की बात करें, पीछे की वेंटिलेटर नहीं है, आगे की थी दोनों। और यहाँ पर भी आपको लैंप दिख जाते हैं, ये रहे। यहाँ का भी आप अलग से जोन सेट कर सकते हो, बिल्कुल क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये देख रहे हो इस तरह से। ऑटो पर डालो, ऑटोमेटिक यहाँ टेम्परेचर सेट कर दोगे। इस तरह से आप मैनुअली जो फ्लो है उसे सेट कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो। ये हो गए हमारे वेंट्स मिडिल रो के लिए, और पीछे उसके यहाँ पर भी वेंट दिए हुए हैं, वो है लास्ट रो के लिए। सीट बहुत चौड़ी है, आराम से तीन बंदे तो आराम से बैठेंगे भाई, फॉर्च्यूनर है ये। अब इससे ऊपर क्या ही बात करोगे स्पेस की। यहाँ पर आप देखते हो बीच वाले बंदे के लिए भी, क्योंकि प्रॉपर तीन बंदे बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको हेडरेस्ट दिया हुआ है, आर्म रेस्ट यहाँ पर मिल जाता है हमको कुछ इस तरह से, ये रहा। ठीक हो गई बात, और बाकी तो बढ़िया है। टम्बल जो होती है हमारी, ये वाली नहीं, यही वाली होती है। अच्छा टम्बल सीट इधर वाली, जनरली उधर वाली दिखती है हमको, यहाँ पर ये वाली दी हुई है। अब जरा देखो ये यहाँ से इस तरह से हो गए टम्बल, यहाँ से हमारा रियर स्पेस। एक बार चढ़ के जाते हैं यहाँ पर पीछे, ओए हाय क्या बात है यार, हेडरेस्ट दिए एडजस्टेबल, इस तरह से किया हमने ये, और इधर वाला किया ये। और भाई इसको जरा करते हैं यहाँ पर, ये बड़ी हार्ड है भाई सीट है, लग रहा है भाई कि भारी भारी हैं, फॉर्च्यूनर की हैं। हाँ तो इस तरह से अपने हो गए पीछे, और देखो जरा लेग रूम कितना ज़बरदस्त मिल रहा है पीछे बैठने में, इसीलिए ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होता इन सीट्स में, मस्ती से बैठते हैं आराम से। यहाँ पर आपको ये खाली जगह दी हुई है, स्पेस दिया हुआ, कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हैं आप, ये ना ठीक। और उसके अलावा यहाँ पर आप ओए होए बैक रिक्लाइन भी आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो इसको करूँ, ये देखो अपने हिसाब से यार, प्रॉपर स्पेस है पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये देखो इस तरह से, देख रहे हो चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, देखो पीछे का देखें, ये इंच से अंदाजा लगा लो आप, बहुत सही यार। तो भाई ये आपको यहाँ पर भी ऐसा स्पेस दिया हुआ, बढ़िया है, पूरी बॉटल रख लोगे यहाँ पर, यहाँ पर कुछ सामान फ़ोन वगैरह रख लोगे, हैंडल यहाँ पर भी दिए हुए हैं, और ये रहे हमारे जो वेंट्स हैं वो। तो अब जरा चलते हैं यहाँ से, इसको कराएं यहाँ पर, और यहाँ से निकलते हैं आप। तो भाई यहाँ से निकले, इसको रखते हैं यहाँ पर, भाई वाकई में हैवी बहुत हैं सीट्स। अब बात आती है बूट की, इसमें यहाँ पर बटन दिया हुआ है, वन टच है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, कुछ नहीं करना सिर्फ बटन दबाना है, और भाई बीप बता देगा आपको, आप हो जाओ पीछे, अपने आप खुलेगा ये। क्या बात है भाई, पैसे दे रहे हो ये चीज़ें नहीं मिलेंगे तो बंदे ये नहीं कहेंगे कि यार ये दे देते वो दे देते, सब कुछ दे दिया इसमें। इस तरह के जो आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टड्स हैं वो दिए हुए हैं, और भाई पूरा ट्रिम इस तरह का। और ये बटन है, आप जब हो जाएगा काम वाम निपट जाएगा तो यहाँ पर इसे दबा दो, और भाई अपने आप नीचे आ जाएगा। हाँ बात कर रहे थे हम बूट स्पेस की, तो भाई बूट स्पेस ऐसा मिल रहा है, कुछ ज़बरदस्त लग रहा है, 200 लीटर की जगह है यहाँ पर, और अपने हिसाब से आप, ये मैंने बताया था, सेट कर सकते हो। अगर बड़ा बैग है तो इसको ऐसे कर दोगे, और अगर इन दोनों को पूरा का पूरा लिटा दिया नीचे तो भाई 700 लीटर की जगह बन जाती है, क्या बात है, ज़बरदस्त है। और अगर आगे की एक को भी लिटा दिया तो ऑटोमेटिकली आप समझ रहे 1000 लीटर से ऊपर जगह बन जाती है, इतनी जगह है। पीछे के लिए अलग से ये लैंप भी दिया हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ सामान वगैरह एक्सेस करोगे तो दिक्कत ना हो। इस तरह से हो गया, अब आती है मेन चीज़, इसको रखते हैं ज़रा, दबाते हैं बटन और आ जाएगा अपने आप नीचे। जलवे अलग है भाई साहब, पैसे खर्च होते हैं तो ये सारी लग्जरी आती ही हैं। अब हो जाएगा लॉक ये, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं इसके इंजन की, क्योंकि भाई इंजन इसका ज़बरदस्त है। यहाँ से खोलते हैं, अरे भाई साहब, भाई एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है मैंने और एक हाथ से उठा रखा है ये, ऐसा फील हो रहा है जैसे भाई कृष्ण जी ने उठा लिया था ना गोवर्धन एक हाथ से, भाई वो चीज़ फील हो रही है। इतना भारी इसमें स्ट्रट नहीं दिया यार, मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल रगड़ क्या फील करवाना है यार, इसमें स्ट्रट देने चाहिए थे ऑटोमेटिक वाला। यहाँ पर पूरी क्लैडिंग दी हुई है, ये देख रहे हो, ये है इंजन की कवरिंग पूरी। इंजन लग अच्छा रहा है, काफ़ी बड़ा बोनट एरिया है, और भाई उसमें पूरी तरह से सेटल है। 2800 सीसी का इंजन है, और भाई पावर 201 bhp की पावर, 500 nm का टॉर्क है, क्या बात है यार, अल्टीमेट चीज़ लग रही है कुछ। और इतनी बड़ी, मतलब 2200 किलो की गाड़ी को भगाने के लिए भाई ये सब चीज़ें तो चाहिए, हाथ की बच जा रही है मेरे बैंड, क्योंकि भाई 5 स्टार तो लेकर आई चुकी है, और बोनट में आप सोचो वजन कितना होगा। अब बात कर दी है 5 स्टार की, तो भाई सुन लो,
एशिया 9 कैप में 5-स्टार रेटिंग ला चुकी है ये गाड़ी। 7 एयर बैग हैं, इतना वजन है, इतना बड़ा बोनट एरिया है, ज़बरदस्त झोटा यूं ही नहीं कहते, ऐसी गाड़ी है भाई, तो 5-स्टार क्यों नहीं आएंगे इसके, तो 5-स्टार ला चुकी है। सेफ्टी एस्पेक्ट से कोई टेंशन नहीं है, बस बंदों की ड्रीम कार क्यों बन जाती है, क्योंकि हर किसी की पहुंच में नहीं है ये। 42.5 लाख की 2.8 लीटर वाली 2800 सीसी वाली डीजल में, क्योंकि इसमें पेट्रोल भी आता है, 2.7 लीटर वाला 2700 सीसी वाला, बात यहाँ डीजल की हो रही है। ठीक, माइलेज की बात करें तो भाई ये देती है जो कंपनी क्लेम करती है 14.5 के करीब का। अब देती कितना है वो तो आपकी चलाई के ऊपर है, रॉकेट बना दोगे जैसे स्पोर्ट मोड दे रखा है तो भाई उड़ती रहेगी गाड़ी, माइलेज भूल जाओ फिर, और अगर इकोनॉमी मोड में ले जाओगे तो लोग 15-15.5 भी ले लेते हैं। तो भाई इस तरह से थी गाड़ी। एक्स शोरूम की बात करें 36,17,000 रुपये, ऑटोमेटिक है ये हमारे पास, 4x2, 4x4 नहीं है। और भाई उसके अलावा ऑन रोड की बात करें तो मैं हूँ कमर्शियल टोयोटा हल्द्वानी, यहाँ पर ये करीब करीब आपको 41,70,000 रुपये की पड़ जाती है। तो भाई ये थी गाड़ी, ये था वीडियो, टाइम की टेंशन नहीं लेता मैं कितना लंबा हो जाएगा, भाई पूरे मज़े लेने होते हैं, हर एक चीज़ कोई मिस ना हो जाए, फिर भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मिस हो जाती है कोई चीज़ तो गूगल जिंदाबाद। तो भाई ये थी गाड़ी, गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार समय चैनल को। जय हिंद।